इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो के ओनर्स की प्रॉब्लम, जो कि सारी स्कॉर्पियो में कॉमन है, चाहे वो प्री फेसलिफ्ट मॉडल हो या 2014 के बाद के जो फेसलिफ्ट मॉडल हैं उसके बाद की बात हो। तो सबसे पहली जो बात है वो है इसका गियर लीवर। ये तो पुरानी वाली स्कॉर्पियो का गियर लीवर है जो ड्राइवर की तरफ मुड़ा हुआ था, लेकिन जो अब वाली कार है वो बिल्कुल यहाँ पर इस तरफ है, वो सीधा है। लेकिन प्रॉब्लम उसकी इस गियर लीवर के टेढ़े या सीधे होने से नहीं है, वो है इसके गियर बॉक्स की क्वालिटी से। इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है बहुत ही नोची टाइप की है और रबड़ी फील होती है, बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिलता जैसे हुंडे की गाड़ियों से जो मिलता है, या फिर बात करें बाकी कंपनियों से। तो गियर शिफ्ट हो जाते हैं ठीक से, लेकिन थोड़ा फीडबैक की कमी लगती है। पहली ये कमी थी। दूसरी कमी है इसके जो साइड के पॉकेट्स हैं, या फिर सीट हाइट एडजस्टमेंट, इसमें तो नहीं आता, लेकिन जो अब नई वाली में आता है उसमें आता है। लेकिन अगर आपको करना है ऑन द गो, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाथ जाता नहीं है। और जो सीट पॉकेट हैं वो एक तो बहुत छोटी हैं, उसके बाद यहाँ से हाथ गुजारना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे हाथ थोड़े पतले हैं, मेरे हाथ चले जाते हैं, लेकिन जो जिनके हाथ थोड़े हैवी होते हैं उनके हाथ थोड़ा मुश्किल होता है इसमें जाना। तीसरी हम बात करेंगे इसके स्टेयरिंग की। ये बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता, इसका स्टेयरिंग बिल्कुल वेग है। अभी गाड़ी बंद है, मैं आपको दिखा नहीं सकता चला के। अगर मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको दिखाया था, अगर वो नहीं है तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर। लेकिन बिल्कुल भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराता इसमें, ये काफ़ी दिक्कत है। चौथी इसकी वाइब्रेशंस की, मैं आपको दिखाता हूँ वाइब्रेशंस। तो अब मैं गाड़ी चालू करने जा रहा हूँ और अभी न्यूट्रल पर है, तो आप इसके गियर लीवर को देखेगा, ये इसकी वाइब्रेशन। इंजन की साउंड भी बहुत है, लेकिन वो आप कह सकते हैं लोगों को पसंद आती है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हैं। स्टेबलाइजेशन की वजह से थोड़ा वीडियो में ऐसा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हैं। फुटपैक्सर भी ऑपरेशन महसूस करती है इस गाड़ी में। तो ये थी इसकी चार प्रॉब्लम जो सभी स्कॉर्पियो ओनर्स को ज़रूर फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो पहले के फेसलिफ्ट मॉडल प्री फेसलिफ्ट मॉडल हो या फेसलिफ्ट मॉडल हो। तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।